फिल्म के शुरुआत में हमें एक लड़के टॉम को दिखाया जाता है जो बर्फ से स्नोमैन तैयार करता है कि तभी कोई उसे कहता है कि तूफान आने वाला है, वापिस अंदर आ जाओ। जिसके बाद अब हमें टॉम के बुढ़ापे को दिखाया जाता है जो अब 75 साल का है और अपनी एक पसंदीदा शोपीस जिसमें एक प्रिंसेस है उसे सामने रखकर पियानो बजा रहा होता है, पर फिर अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब हमें फिर से टॉम को दिखाया जाता है जो अभी 10 साल का है और अनाथ आश्रम में एक लड़की एन के साथ होता है, जहां एन उसे सवाल करती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, जिसके जवाब में वो कहता है कि मेरी माँ की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और मेरे पिता एक पायलट है लेकिन उनकी भी एक बार क्रैश लैंडिंग हो गई थी, तब से मैंने उन्हें नहीं देखा पर मुझे यकीन है कि वो जीवित है। जिसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं पर तभी टॉम का बनाया हुआ स्नोमैन उससे आकर कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा। पर टॉम उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि तुम अभी सपना देख रहे हो और मैं तुम्हारा गाइड हूँ तुम्हारे सपनों की दुनिया का, इसलिए मेरे साथ चलो, और इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए राजी भी हो जाता है। टॉम अब उस पर सवार होकर आकाश में उड़ने लगता है कि तभी टॉम को एक रास्ता दिखाई देता है और वो उसे उसी रास्ते पर चलने को कहता है, पर स्नोमैन मना करते हुए कहता है कि वहाँ खतरा है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अब उसे एक तूफान के नजदीक लाकर कहता है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे पिता मिलेंगे। जिसके बाद अब हमें टॉम की बेटी जेम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आती है, जहाँ डॉक्टर उससे एक शॉकिंग जानकारी शेयर करते हैं कि टॉम को फिर से हार्ट अटैक आया है और ये दूसरी बार है, इसलिए हमने अब इन्हें लाइफ सपोर्ट पर रख दिया है और ये पिछले कुछ सालों से यादों की दुनिया में सफर कर रहे हैं, यानी कि अब तक हमने जो भी देखा वो सारी टॉम की यादें थी और रियल वर्ल्ड में वो 75 साल का है जहाँ उसे कुछ भी याद नहीं, उसे ना तो अपनी बेटी याद है और ना ही अपनी पत्नी, और उसे म्यूजिक बैंड जिसमें वो काम करता था वो भी अच्छे से याद नहीं है और यहाँ तक कि वो कई सालों से कोमा में है। जेम दरअसल अपने पिता को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पिता उससे और उसकी माँ से प्यार नहीं करते, उन्हें बस अपने बैंड ग्रुप और एन से प्यार है, इसलिए जेम वहाँ से चली जाती है। अब हमें फिर से उसी यादों की दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ टॉम स्नोमैन के ऊपर बैठा था, लेकिन अब वहाँ तूफान आ जाता है और टॉम स्नोमैन के ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसके अब नीचे आने के बाद उसे एन दिखाई देती है जो अब बुजुर्ग हो चुकी थी, जो उसे चेतावनी देती है कि उस स्नोमैन से दूर रहना क्योंकि जैसा वो दिखता है वैसा वो नहीं है। पर तभी स्नोमैन उसे आवाज लगाने लगता है जिस पर एन उसका मुंह बंद कर देती है, पर टॉम उसे पागल बोलकर वहां से आगे बढ़ जाता है जहां उसे वही डॉक्टर दिखाई देता है जो इस दुनिया में मैकेनिक था जो रोलर कोस्टर के ट्रैक्स ठीक कर रहा होता है, पर वो अंत में बार बार टूट जाता है। और तभी वहाँ जेम भी आ जाती है जो अभी छोटी है पर टॉम को वो याद नहीं, और फिर जेम मैकेनिक के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ने पर टॉम को स्नोमैन फिर से दिखाई देता है जो उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इतना आवाज लगाया था और तुम फिर भी नहीं आए, जिस पर टॉम उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पर स्नोमैन अब उसे सर्कस की 2 टिकट्स देता है पर टॉम उसे लिए बगैर ही वहां से चला जाता है, जिस पर स्नोमैन गुस्सा हो जाता है जिससे डर कर टॉम एक बिल्डिंग के अंदर छिप जाता है जहां उसे एक बैंड ग्रुप दिखाई देता है जिसमें पियानो बजाने वाला यंग टॉम था और गाना गा रही फीमेल एन ही थी, लेकिन टॉम उस दोनों को नहीं पहचान पाता क्योंकि उसे रियल लाइफ में कुछ भी चीजें याद नहीं थी। वहीं उसे बुजुर्ग एन भी दिखाई देती है जो उसे फिर से स्नोमैन से दूर रहने को कहती है, पर अब टॉम को यंग टॉम के पास उसका पसंदीदा शोपीस दिखाई देता है और वहीं छोटी जेम भी थी, और तभी स्नोमैन दरवाजा को जोर से ठोकते हुए कहता है कि तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, जिसके बाद सारी जगह अंधेरे में बदल जाती है। अब इसके बाद टॉम को छोटी जेम दिखाई देती है जो किसी कमरे की तरह भाग रही थी, इसलिए टॉम भी उसका पीछा करता है, पर फिर वो एक ऐसे कमरे के अंदर चली जाती है जिस दरवाजे के पास एक और छोटा टॉम था जो कमरे के अंदर जाता है जहां उसके पायलट पिता बैठे थे। टॉम अब उनसे कहता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा, कि तभी उसे वही सर्कस की टिकट्स दिखाई देती है जैसी स्नोमैन के पास थी। उसके पिता अब कहते हैं कि तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन टॉम साफ मना कर देता है, जिस पर वो गुस्सा होकर कहते हैं कि मैंने एक बार कह दिया तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मान जाता है। अब स्नोमैन उसे घसीटते हुए सर्कस ले जाने लगता है, पर
टॉम उसे कैसे तो हाथ छुड़ाकर भागने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो सर्कस के अंदर पहुंच ही जाता है जहां जोकर उसे परेशान करने लगते हैं और ये सारी चीजें स्नोमैन देखकर हंस रहा था। वहीं उसे बुजुर्ग टॉम भी दिखाई देता है जो बेड पर लेटा होता है और वहीं यंग जेम भी थी जो बुजुर्ग टॉम के सिर को काट कर उसके अंदर से कई सारे पेपर्स निकालती है जो दरअसल उनकी याद ही थी जो उन्होंने ही लिखा था। जेम अब उसे एक जादूगर को दे देती है जो सारे पेपर्स को गायब करते जाता है। वहीं यंग टॉम और छोटी जेम भी थी जो स्नोमैन को देखकर हंसने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर स्नोमैन वहां से भाग जाता है और उसके जाते ही पूरा सर्कस भी गायब होकर अंधेरे में बदल जाता है। इसके बाद अब उसे फिर से पिता का कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर जाने पर उसे यंग टॉम भी दिखाई देता है जिसे छोटी जेम उसका शोपीस लेकर देती है, लेकिन वो एकदम परेशान भी लग रहा था इसलिए वो शोपीस को दूर फेंक देता है और तभी उसके पिता अपने आप को गोली से शूट कर लेते हैं जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है और शोपीस भी गिरकर टूट जाता है। अब इसके बाद हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं जहां यंग जेम बुजुर्ग एन के साथ थी जो टॉम का ही एक लॉकर खोलने की कोशिश कर रही थी और भाग्य से वो सफल भी हो जाती है, जिसके अंदर से उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो जेम पढ़ने लगती है, लेकिन उसमें से बैंड एन और उसके हॉबी के बारे में ही लिखा था, जिससे गुस्सा होकर वो सारे पेपर्स को हवा में उड़ा देती है और वो एन से कहती है कि उन्हें ना कभी मेरी और ना ही मेरी माँ की परवाह थी, उन्हें बस म्यूजिक और तुम्हारी परवाह थी। जिस पर एन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम गलत सोच रही हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम फिर से यादों में टॉम को देखते हैं जो अपने सामने अपने मृत पिता को देखकर एकदम घबरा जाता है। ये तभी उसे छोटी जेम भी दिखाई देती है जो शोपीस के अंदर की प्रिंसेस जो अब टूट चुकी थी उसे देखकर रोने लगती है और फिर वहां से वो भाग भी जाती है। इसलिए अब टॉम भी उसके पीछे भागते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उस बिल्डिंग से नीचे आ जाती है और जैसे ही टॉम खिड़की से नीचे कूदता है तो वो यंग टॉम में बदल जाता है और फिर से जेम का पीछा करने लगता है और फिर भागते भागते अब वो बुजुर्ग टॉम में बदल जाता है जहां छोटी जेम भी अब यंग जेम में बदल जाती है, पर टॉम भागते हुए नीचे गिर जाता है। अब वहीं रियल वर्ल्ड में जेम एन को शोपीस जो जुड़ी हुई थी उसे दिखाकर कहती है कि टॉम ने कहा था कि जब मैं पियानो को सही से बजाऊंगी तो ये प्रिंसेस घूमने लगेगी और उनकी कही हुई ये बात भी झूठी थी, उनके हर वादे के तरह जो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, हमसे ज्यादा वो तुम्हें मानते थे। पर तभी उसका पैर एक खिलौने सोल्जर पर पड़ता है जिस पर वो कहती है कि उन्होंने इस पर भी एक गाना बनाया है, लेकिन मेरे और ना ही मेरे माँ पर कोई गाना बनाया। अब हम फिर से बुजुर्ग टॉम को यादों की दुनिया में देखते हैं जहाँ कई सारे सोल्जर्स आकर उससे कहते हैं कि हम यहाँ आपको स्नोमैन से बचाने आए हैं, जिस पर टॉम उससे सवाल करता है कि मैं कहाँ हूँ और स्नोमैन मेरे साथ क्या करना चाहता है, जिस पर वो उनसे शॉकिंग जानकारी शेयर करते हैं कि अभी आप यादों की दुनिया में हो और स्नोमैन आपकी अच्छी यादों को मिटाने का काम कर रहा है और जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे हो वो आपकी सबसे अच्छी याद है और जब आप उसके पीछे जाते हो जिसके कारण वो आपसे दूर भाग जाता है, इसलिए आपको उस लड़की के साथ जाना चाहिए और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बेटी जेम है। पर अब टॉम कंफ्यूज में सवाल करते हैं, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, प्लीज तुम मेरी मदद करो, मुझे उसे याद करना है और उसके पास जाना है। अब वहीं रियल वर्ल्ड में एन जेम से कहती कि जिस रात तुम्हारी माँ की दुर्घटना हुई थी उस रात वो मेरे पास आए थे, उन्होंने उसी दिन से म्यूजिक बैंड में काम करने से मना कर दिया था और उन्होंने मुझे अपनी सबसे बुरी याद के बारे में भी बताया, जिस पर जेम सवाल करती है कि वो बुरी याद क्या है, जिस पर एन उसे कहती है कि तुम्हें पता है टॉम के पिता ने अपने आप को उनके सामने शूट कर लिया था जो उनकी यादों में एक अंधेरे जैसा है, वो हमेशा से इसे याद करने से डरते थे और जैसे जिंदगी वो गुजार रहे थे उस जिंदगी से तुम्हें दूर रखना चाहते थे ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको सुकून वाली, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुए, इसलिए तुमने उन्हें गलत समझ लिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो तुम दोनों से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और जब से उन्हें बोलने की बीमारी लगना शुरू हुई उन्होंने अपनी यादों को पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया जो इस लॉकर में थे, जो सब समझने के बाद अब जेम रोने लगती है। अब वहीं यादों में सोल्जर्स टॉम को उसी लॉकर के पास लाते हैं
जिसे रियल वर्ल्ड में एन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यादों में वो बहुत बड़ा है जिसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और वहीं रियल वर्ल्ड में जेम उस पेपर्स को पढ़ने लगती है जिसकी ज्यादातर पेपर्स उसके और उसकी माँ के बारे में ही लिखा था। और वहीं यादों की दुनिया में टॉम को वही सारी चीजें जमीन पर लिखी हुई दिखाई देती है और वहीं वो स्नोमैन भी खड़ा था जो अब एकदम कमजोर हो रहा था। जैसे जैसे टॉम उन चीजों को पढ़कर सब याद करने की कोशिश कर रहे थे, स्नोमैन उतना ही कमजोर होते जा रहा था। वो अब कहता है कि अब याद आने का क्या फायदा जब सब कुछ तुम्हारा खत्म हो गया है, तुम्हारी बेटी भी तुम्हें प्यार नहीं करती और तुम्हारा समय भी अब खत्म होने वाला है। पर टॉम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और तभी उन्हें पता चलता है कि इन सारी यादों में कुछ लाइन गायब है, इसलिए अब वो अपने खून से उन्हें लिखने की कोशिश करते हैं। वहीं जेम को भी सारे पेपर्स को एक ऑर्डर में रखने पर पता चलता है कि एक पेपर कम है और फिर तभी लाइट चली जाती है और फिर जेम को वहाँ स्नोमैन दिखाई देता है, जिसके बाद वो और एन दोनों हॉस्पिटल टॉम से मिलने निकलते हैं। अब वही यादों में टॉम अचानक रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं और उसी रास्ते के लिए निकल जाते हैं जहां स्नोमैन ने उन्हें जाने से मना किया है। स्नोमैन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी बात ना मानते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर अब वो स्नोमैन उनके पिता में बदल जाता है, यानी कि वो स्नोमैन कोई और नहीं बल्कि टॉम के पिता की बुरी याद थी जो टॉम ने बचपन में अपने पिता को सामने मरते हुए देखा था, जिससे वो डिप्रेस रहने लगे और उसका डिप्रेशन ही वो स्नोमैन था जो उनकी अच्छी यादों को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन जब टॉम ने उसके साथ ना जाते हुए अच्छी यादों की तरफ कदम बढ़ाया तो वो कमजोर होने लगे। अब उस रास्ते के अंदर आते ही टॉम के पिता वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को उसी अनाथ आश्रम में पाते हैं जहां स्नोमैन बेजान खड़ा था और फिर घुमाने के लिए टॉम उसका शुक्रिया करते हैं। तभी फिर उन्हें खिलौने वाला सोल्जर दिखाई देता जिसे देखते ही वो अब अपने वापिस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहां वो अब कोमा से भी बाहर आ चुके थे, जिन्हें अब सामने जेम दिखाई देती है जो अब उन्हें होश में देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और फिर वो जेम को प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं, जो कहने के बाद उनका दम निकल जाता है जिसे देख जेम एकदम टूट जाती है। अब वो वहां से घर आकर उनके याद में पियानो बजाने लगती है, जैसा उस पेपर में लिखा था कि जहां ई है उससे पहले जी लगाओ, और ऐसा करते ही शोपीस में रखी प्रिंसेस घूमने लगती है और फिर उस शोपीस में भी ईएम लिखा था, यानी कि ईएम से पहले जी लगाने पर उस शोपीस का नाम भी जेम बनता है। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।